कांग्रेस को बढ़त मिली है। पहले राउंड में कांग्रेस को 920 वोटों से बढ़त मिली थी और अब दूसरे राउंड में 800 वोट कांग्रेस के घट गए, यानी कि लगभग 120 वोट से कांग्रेस सेकंड राउंड में आगे चल रही है। कांग्रेस के लिए जो दोनों राउंड है वो उपलब्धि वाले रहे, लेकिन फिलहाल 16 राउंड बाकी है दोनों पार्टियों के लिए और बीजेपी का काउंटडाउन अब प्लस होता जा रहा है। पहले राउंड में कांग्रेस 920 वोटों से आगे थी, अब महज 120 वोटों का अंतर रहा है। ये बड़ी उपलब्धि अब बीजेपी के लिए है। अगला राउंड तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, देखने वाली बात रहेगी कि तीसरे राउंड में दोनों प्रत्याशियों के भाग्य में क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल दो राउंड की जो गणित रही है वो कांग्रेस के प्लस में रही है। ऑल आउट देखा जाए तो राजस्थान की 5 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि स्पष्ट स्थिति दिखती नजर आ रही है पहले दोनों राउंड में, लेकिन दौसा और अलवर की रामगढ़ दोनों में कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल दौसा की स्थिति बिल्कुल, ये टैली बदलती जा रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से माथे पे शिकन बीजेपी के खेमे में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तस्वीर बदल रही है, ये तस्वीर चिंता में डालेगी बीजेपी को। कहने को तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का सवाल है। मुख्यमंत्री खुद एक एक सीट पर गए हैं, अगर ये चीजें डाउन होती है, टैली अगर डाउन होती है तो चिंता बढ़ेगी बीजेपी के खेमे में। हालांकि ये पहले दो राउंड है, ज्यादा मायने नहीं रखते, 18 से 22 राउंड तक काउंटिंग होनी है। पल पल अपडेट बदलेगा, आंकड़ा बदलेगा और सबसे पहले हम आप तक ये लेटेस्ट आंकड़े पहुंचाएंगे। सभी मेहमान स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट आपसे कि आप बने रहिए सभी लोग, चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर हैं। उपचुनाव पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है।